हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज एक और नया वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं। ये होने वाला सेमी डुप्लेक्स बना हुआ एक विला जो कि काफ़ी ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, और रेट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे होने वाली है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। लोकेशन जो होने वाली है वो है वैशाल नगर से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर, केडिया कोठी का आपने नाम सुना होगा, उसके बिल्कुल एडजोइनिंग में लोकेशन होने वाली है। यहाँ पे देखिए सुख सुविधाएं के बारे में बात करूँ तो आप सामने की तरफ देख पा रहे हो कम्प्लीटली यहाँ पे रोड का काम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। साथ में यहाँ पे सीवरेज की बात करें वो भी कम्प्लीट है, पानी की व्यवस्था पूरी कम्प्लीट यहाँ पे की गई है, ड्रेनेज यहाँ पे आपको मिल जाता है, साथ साथ में स्ट्रीट लाइट जैसे कि आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ये भी आपको पूरी करके यहाँ पे दी गई है। देखिए टाउन से बहुत ही प्यारी होने वाली है। डायमेंशन जो है विला की वो मैं पहले बता देता हूँ, 17x38 की डायमेंशन है। सीढ़ियाँ आपको बाहर से मिल जाती है और फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके से का आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखिए यहाँ पे मिल जाता है रैंप का आपको जगह, और इसके बिल्कुल बगल में देखते हैं तो यहाँ पे ग्रीनरी के लिए भी एक स्पेस यहाँ पे दिया गया है, और मेन गेट की बात करें तो कुछ इस तरीके से आयरन का मेन गेट आपको यहाँ पे लगा के दिया गया है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं, 17x38 की डायमेंशन है, लगभग 72 गज में बना हुआ है। बाकी और चीज़ें हम देखेंगे, साथ साथ में हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। ये मिल जाता है आपको पोर्च का एक स्पेस जो कि आराम से आपकी बाइक्स वगैरह जो है इजीली यहाँ पे पार्क कर पाएंगे, और यहीं पे आपको मिल जाता है एक वाटर टैंक का प्रोविजन जिसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 हज़ार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी एक स्पेस है, साथ साथ में गेस्ट रूम की जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से आपको सेपरेटली बाहर की तरफ से आपको मिल जाती है, और मेन एंट्रेंस है वो सामने की तरफ आपको यहाँ पे मिलती है। स्टेयर्स जैसे कि मैंने बताया था आपको बाहर से स्टेयर्स का प्रोविजन यहाँ पे दिया गया है। सेमी डुप्लेक्स जैसे मैंने आपको बताया 72 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो देखिए ये आ जाता है डाइनिंग और ड्राइंग एरिया का स्पेस जो कि स्पेसियस है, साइज के हिसाब से काफ़ी स्पेसियस यहाँ पे भी बना के इसको दिया गया है। साथ में बात करें यहाँ पे ऊपर की तरफ तो फॉल सीलिंग का वर्क जो कि काफ़ी प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग का वर्क भी आपको यहाँ पे बना के दिया गया है डाइनिंग ड्राइंग एरिया के एडजोइनिंग में। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक वॉशरूम आपको मिल जाता है, वॉशरूम के साइजेस काफ़ी प्यारी है, यहाँ पे इंडियन सीट यहाँ पे लगा के दी गई है, और टाइल्स वगैरह के कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे टाइल्स का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर इस तरफ देखते हैं जो गेस्ट रूम यहाँ पे दिया गया है, गेस्ट रूम में देखिए साइज़ की बात करें तो लगभग 8x10 के आसपास की साइज़ आपको गेस्ट रूम की मिल जाती है। इस वॉल पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारा सा वॉल पेंटिंग का वर्क करके दिया गया है। एसी फिटिंग की बात की जाए हर जगह जहाँ जहाँ नीड है एसी फिटिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर गेस्ट रूम में भी देखा जाए ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का प्यारा सा वर्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सामने मिल जाता है विंडो का प्रोविजन जिसमें अगर आप चाहें कूलर वगैरह लगाना तो वो भी आप इजीली बाहर की तरफ से कूलर भी इसमें लगा पाएंगे। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखिए 3 बेडरूम ये होने वाला है। प्राइस जो है मैं पहले बताता हूँ, मात्र 24.5 लाख रुपये प्राइस इसकी होने वाली है। 3 बेडरूम 72 वर्ग गज के अंदर बना हुआ है। फिर यहाँ पर डाइनिंग ड्राइंग एरिया के एडजोइनिंग में आपको मिल जाता है किचन का स्पेस। देखिए अभी थोड़ा बहुत फिनिशिंग का वर्क बाकी है लेकिन आप बुकिंग करेंगे तुरंत आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा। बुकिंग के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैंने बिल्डर के नंबर ऑलरेडी दे दिए हैं स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए प्यारा सा स्लैब लगा के यहाँ पे किचन का काम किया गया है, इसमें ग्रेनाइट का टॉप साथ साथ में टाइल्स का वर्क भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सामने की तरफ मिलता है विंडो का प्रोविजन जो कि वेंटिलेशन के लिए पूरा परफेक्ट होने वाला है, साथ साथ में सनलाइट भी पूरी परफेक्ट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यहाँ मिल जाता है एक फ्रिज के लिए स्पेस। देखिए मॉड्यूलर किचन बना के आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ये जो कि पूरा कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। बाहर की तरफ यहाँ पे डाइनिंग ड्राइंग एरिया के स्पेस में आपको मिल जाता है सिंक का प्रोविजन, हैंड वॉश के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन यहाँ पे भी दिया गया है। ये आ जाता है एक बेडरूम। बेडरूम की साइज़ की बात करूँ मैं तो लगभग 10x12 के आसपास के बेडरूम की साइज़ आपको मिल जाती है। सामने यहाँ पे कबर्ड्स लगा के दिए जाएंगे, साथ ही ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे फॉल सीलिंग का वर्क भी काफ़ी प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस वॉल पर देखते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है आपको वॉल पेंटिंग का प्यारा सा वर्क जो कि काफ़ी कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर डिज़ाइन करके इसको दिया गया है। इसी बेडरूम में आपको मिलता है एक अटैच वॉशरूम इसके देख पा रहे हो आप, वेस्टर्न सीट यहाँ पे लगा के दी गई है, साथ में टाइल्स का वर्क भी काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे भी करके आपको दिया गया है। और इस बेडरूम में इस तरफ मिल जाता है आपको पीछे की तरफ कटआउट का स्पेस जो कि बैक में आपको लेके जाने वाला है। फिर बढ़ते आगे की तरफ, हम जैसे हमने अभी तक देखा 2 बेडरूम देखे, एक गेस्ट रूम प्लस एक बेडरूम देखा, वॉशरूम देखे, साथ साथ में किचन का स्पेस देखा। ये बाहर की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया था स्टेयर्स आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जाने वाली है। इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह देखिए आप कुछ इस तरीके से दिया गया, साथ साथ में इसकी रेलिंग आपको यहाँ पे लगा के दी गई है। सामने फिक्स टफन ग्लास यहाँ पे लगा के दिया गया है जो कि एलिवेशन की खूबसूरती को काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे बनाने वाला है, प्लस साथ में यहाँ पे डिज़ाइनर वर्क भी आपको यहाँ पे करके दिया गया है। देखिए कुछ इस तरीके से स्टेयर्स का लुक आपको मिलता है, और स्टेयर्स के ऊपर की तरफ यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है। लोकेशन मैंने बताई आपको वैशाली से मात्र 5 से 6 किलोमीटर, केडिया कोठी का आपने नाम सुना होगा, उसके बिल्कुल एडजोइनिंग में है। लेकिन चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। ऊपर की तरफ देखिए छत पर भी आपको कम्प्लीटली टाइल्स वगैरह का वर्क यहाँ पे करके दिया गया है। ऊपर जाने के लिए
स्टेट्स का लुक कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। सेमी डुप्लेक्स जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर की तरफ भी एक बेडरूम यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, ये मिल जाता है एक वॉशरूम जिसमें टाइल्स वगैरह कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे करके दिया गया है। और एक बेडरूम की बात की जाए तो एक बेडरूम आपको इस तरफ मिलने वाला है। ये मिल जाता है आपको एक बेडरूम, इसमें इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग का काम किया गया है, ऊपर पीओपी का वर्क भी आपको दिखाई देने वाला है। और सामने की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे मिल जाता है आपको विंडो का एक प्रोविजन जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया है। और इधर सामने की तरफ मिल जाता है एक बालकनी का स्पेस जो कि बाहर की तरफ आपको लेके जाने वाला है। इसके अलावा मैं पीछे से आपको एक बार ओवरव्यू यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पे विला का निर्माण कार्य किया गया है जो कि पूरी लाइन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और बाहर से भी आपको मैं व्यू दिखाऊंगा अभी बालकनी से कि बाहर का व्यू कैसे यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। बट वीडियो पे नए हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो रूम की जो ऊपर वाले रूम है उसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वही लगभग 8x10 के आसपास की साइज आपको यहाँ पे मिलती है। एसी फिटिंग वगैरह यहाँ पे भी आपको प्रॉपर बना के दी गई है। सामने ये मिल जाता है एक बालकनी का स्पेस जो कि काफ़ी प्यारे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करके दिया गया है। सामने की तरफ आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे और बिल्कुल इधर सामने देखेंगे तो इन जस्ट विला के पीछे की तरफ आपको केडिया कोठी जो है वो यहाँ पे एडजॉइनिंग में आपको दिखाई देने वाली है। देखिए प्राइस मैंने बताई दी आपको, 24.5 लाख रुपये इसकी प्राइस है। 72 गज में बना हुआ है, 17x38 की डायमेंशन है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बिल्डर के प्रतिनिधि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप उनको कॉल कर पाएंगे और अधिक जानकारी वहाँ से आप प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।